एक्चुअल ये फर्जी कागज से तैनाती का मामला नहीं है ये, बल्कि ये सन 2015 का विज्ञापन है ये। उसी समय लोगों ने जो अपना फॉर्म डाला था उसमें एक स्वघोषणा पत्र भरा जाता है, उसमें लिखा जाता कि मुझ पर कोई पूर्व में मुकदमे नहीं थे, हमारा चार सौ ठीक था इसमें, और उन लोगों ने उस समय उसको भरा था। उस भर्ती के लोग अभी जून में आए थे, इनका मेडिकल हुआ था हमारे यहाँ, और इसके बाद इनको जहां इनकी नियुक्ति दर्द वहां को भेज दिया गया था। इसके पश्चात जो इन लोगों ने घोषणा पत्र भरा था अपने अपने फार्म में, उसकी जांच कराई गई लोकल थाने से, तो उसमें कई अभ्यर्थी ऐसे निकले जिनके ऊपर मुकदमे पूर्व से दर्ज थे और इन लोगों ने अपने फार्म में इसको शो नहीं किया था। और हमारे यहाँ जो हमारा सर्कुलर है पुलिस हेडक्वार्टर का, उसमें प्रतिकूल टिप्पणी इसके बारे में है, इस लिहाज से इनको मान्यता नोटिस दी गई थी और नोटिस के खिलाफ लोग चले गए थे हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने आदेश किया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय का एक ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग इसमें आप एसपी दिखवा लें, और नोटिस को निरस्त कर दिया था हाईकोर्ट ने। इसके पश्चात एसपी महोदय ने हमारे अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी कि इसको आप देखें और हमको उचित एडवाइस करें। इसमें से हमारे यहाँ जो लीगल हमारा विंग है, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर हमारे यहाँ है, जो जनरल डायरेक्टर हमारे यहाँ अभियोजन है, वो है इसमें, एसपीओ साल इसमें है, और हम लोगों ने कुछ निष्कर्ष निकाला इसमें। उसके आधार पे जो 14 व्यक्ति थे उनको उनका जो अभ्यर्थी निरस्त कर दिया गया, उसमें कुछ को नोटिस दी गई है और कुछ को हम लोगों ने अभी ऑन नोटिस जारी किया जिससे वो अपना पक्ष आकर के रख सके। तो कुल मिला के 30 से 34 व्यक्ति की सूची अभी तक हमको प्राप्त हुई है जिसपे हम लोगों ने लिए हैं इसमें शेष, और जो भी सत्यापन होकर आ रही है उस पर हम लोग कार्रवाई इसमें करेंगे। तो सब मिला के ये किसी फर्जी पेपर का मामला नहीं है, बल्कि ये है कि उन लोगों ने जो सेल्फ डिक्लेरेशन किया था अपने बारे में, तथ्य गलत दिया था उन्होंने कि हम पे मुकदमे नहीं है।